हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके फाइव लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्मेशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें रीड की और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लास्ट फिफ्थ लेक्चर में कराए थे। कंटिन्यू अभी भी आज भी हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्ज नाइन ई एंड 4E आर एट आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर वेयर शुड वी टेकिंग अनदर चार्ज Q, so that it is in equilibrium condition. Equilibrium condition. दो चार्ज है, 9E और 4E, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और r डिस्टेंस पर इनको रखने के बाद हमें थर्ड चार्ज q की पोजीशन फाइंड करनी है कि ये सिस्टम या यूं कह दीजिए कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रहेगा? जब उस पर लगने वाले टोटल फोर्स का वेक्टर सम क्या हो? जीरो हो। या उस पर अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं तो उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखिए आप, इसमें ये 9E, ये 4E, देर आर आर डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज वी टेकिंग पॉइंट चार्ज Q एट x डिस्टेंस फ्रॉम 9E, स्टार्टिंग वी एज्यूम और इमेजिन दैट द Q चार्ज इज taking at x distance from 9E, then the distance from 4E charge will be r minus x. Now at Q, force due to 9E vector F1 will be in this direction and force due to 4E vector F2 will be in this direction. For equilibrium, vector F1 plus vector F2 should be zero. Vector addition of these forces should be zero. Implies that F1 or mod of F1 equal to mod of F2. Both forces have equal magnitude because these are in opposite direction. If they have equal magnitude, then resultant force will be zero or the charge remains in equilibrium. Then according to Coulomb's law, Q1 Q2 upon R square means X square equal to Q2 upon R square means R minus X square. There K, E, Q are cancelled from both sides. Now we take square root on both sides. On taking square root,
on both sides. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, नाइन का जो स्क्वायर रूट होगा थ्री होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स, फोर का टू, और आर माइनस एक्स स्क्वायर का आर माइनस एक्स. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई थ्री आर माइनस टू एक्स इजिकल टू थ्री आर माइनस थ्री एक्स इजिकल टू टू एक्स एंड थ्री आर इजिकल टू फाइव एक्स देर और एक्स इक्वल टू थ्री आर अपॉन फाइव. So that is our answer. The charge taking should be at 3r upon 5 meter distance or 3r upon 5 distance from 9e charge. If question discuss for 4e charge, agar wo aapse 4e charge ke liye distance puchta hai, to r minus 3r upon 5, that will be 2r upon 5. R माइनस थ्री अपॉन फाइव सोल्व करने पर टू आर अपॉन फाइव. तो देर इज आंसर फॉर क्यू चार्ज. द डिस्टेंस शुड बी फ्रॉम नाइन ई इज थ्री आर अपॉन फाइव एंड फ्रॉम फोर इज टू आर अपॉन फाइव. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, देर आर टू चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज आर एट a definite distance. Question is, there are two point charge of magnitude capital Q are at a definite distance. Definite distance. Another charge. Another charge. Small q is at middle point. Middle point. Of them, okay. Middle point of them. Find out I can understand that. Magnitude and nature. Yes. Magnitude and nature of a small cube, so that system remains in equilibrium. System remains in equilibrium. There a question also for equilibrium, but their situation is changed. Two point charge, capital Q charge, are placed at a definite distance from each other, or third charge, small q, taking at the middle point of them. तो कैलकुलेशन करके ये पूछ रहा है, वैल्यू ये पूछना चाह रहा है कि Q का नेचर और Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये जो सिस्टम है ये टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए. अब टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि किसी एक आउटर चार्ज पर आइदर वन कैपिटल Q और अनदर कैपिटल Q सिचुएशन इज देयर. सॉल्यूशन, these are capital Q charge, capital Q charge at r distance from each other, and there is a small q charge is there in the middle point of them, that is r by 2. If we want to calculate the equilibrium position of system, then it is necessary the total resultant force at one capital Q charge, either on it or on it. या तो इस कैपिटल क्यू पर या इस कैपिटल क्यू पर टोटल चार्ज का जो सम है, एडिशन है, वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो हम यहाँ पर यही बात लेकर चलते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम
equilibrium of system, total force at capital Q charge should be zero. So then charge between these K Q Q upon R by 2 square, and there between these plus K Q Q upon R square equals to 0. Due to this Q, the force between them KQQ upon R by 2 square, KQ1 Q2 upon R square, and due to this Q, KQQ upon R square. On solving 4KQ Q upon R square is equal to minus KQQ upon R square. KQ cancel to each other, R square also cancel to each other, then small q is equal to minus q by 4. So there will be answer, the magnitude of q, equals to q by 4, and its nature is opposite to nature of capital Q. Means अगर capital Q minus में है तो small q plus में होगा, और यदि capital Q plus में है तो small q minus में होगा, जो calculation आप देख रहे हैं. तो ये इस तरीके से भी ये question आ जाता है. अगर total system का equilibrium पूछता है तो आपको किसी एक outer charge पर electric force zero के equal करना पड़ेगा. और यदि ये पूछता है कि हमने एक Q चार्ज मिडिल में रखा और इस Q चार्ज की इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन बताओ, तो इस चार्ज पर दोनों अदर चार्ज के कारण फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. क्लियर? तो ये दो तरह के क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया. ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर इक्वल चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, 2 माइक्रो कूलम भी हो सकते हैं, 4 माइक्रो कूलम भी हो सकते हैं, अनदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो 4 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड एट वाई एक्सिस. क्वेश्चन है, 4 इक्वल चार्जेज ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम आर located at y axis at points 0, 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter away from origin. Find out resultant force at point charge at 2 centimeter. क्वेश्चन है बेटा, 4 चार्ज है, y एक्सिस पर पुट ऑन किया उसने, जैसे आप डायग्राम में देख लो सॉल्यूशन, तो ये y एक्सिस है, दैट इज y एक्सिस जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, वी टेकिंग पॉइंट एट ईच पॉइंट देर, एट जीरो, एट टू, एट फोर, एट एट, देर आर 4 चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्यू क्यू क्यू. क्वेश्चन
जो पुटअप हो रहा है वही हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर जो ये चार्ज रखा है इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो आप एक चीज देखिए यहां पर कि इस चार्ज पर जो 2 सेंटीमीटर है इस पर एक तो ये इनको हम पॉइंट्स नाम दे देते हैं OA, BCD इस तरीके से। तो इसको हम अगर नोमेनक्लेचर करते हैं इन पॉइंट्स को तो यूं ले सकते हैं, देखो O, A, B और ये C। तो ये 2 सेंटीमीटर पर ये 2, 4, 6, 8 ईच पॉइंट पर Q चार्ज प्रेजेंट है यहाँ। तो इस A पॉइंट वाले चार्ज पर ड्यू टू O जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा F A O इन अपर डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों, रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहां पर जो B के कारण फोर्स लगेगा वो B के कारण फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन F A B और ड्यू टू C ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन F A C। थ्री फोर्सेज एक्ट एट दिस चार्ज। नाउ रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F A O प्लस वेक्टर F A B प्लस वेक्टर F A C। ओके, चार्ज की जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो सेम है सब फोर्स के लिए, बट डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग होगी और डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो पहले F A O की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास ये आ जाएगा देखो वेक्टर F इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये डायरेक्टेड है प्लस वाई डायरेक्शन में जिसको मैंने जे केप लिखा है यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। ऑलरेडी हम जानते हैं आई केप जे केप के केप 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई केप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे केप होता है अलोंग वाई एक्सिस और के केप होता है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस जे केप लिया। अब एफ ए बी देखें इन दोनों के बीच में फोर्स, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 2 पर है ये 4 पर है, तो बिटवीन बोथ चार्जेस डिस्टेंस विल बी 2 सेंटीमीटर। सो देयर के क्यू क्यू अपॉन 2 × 10⁻²² स्क्वायर, बट डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड को दिखाने के लिए हमने क्या लिया माइनस जे कैप, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एफ ए सी, एफ ए सी के लिए अगर बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो गई बेटे 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर है और वो 8 सेंटीमीटर पर है, जैसा कि क्वेश्चन में उसने बोला है 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 6 सेंटीमीटर। तो के क्यू क्यू अपॉन 6 × 10⁻²² स्क्वायर और माइनस जे केप, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड है इसलिए माइनस जे केप। अब आप देखिए ये और ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये कैंसिल आउट होंगे तो ओनली आपके पास बचेगा ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 36 × 10⁻⁴ माइनस जे केप। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा। आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो इजीली कर सकते हैं 9 × 10⁻⁹ और 5 × 10⁻⁶ स्क्वायर अपॉन 36 × 10⁻⁴ माइनस जे के, डायरेक्शन को बता रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी माइनस जे के, और ऑन कैलकुलेटिंग ये
ये 25 हो जाएगा, ये 9 फोर जा 36, 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ये 25 में 4 का डिवीजन दोगे तो 6.25 इंटू 10^1 और माइनस जे के मीन्स 62.5 माइनस जे के न्यूटन, यानी आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 62.5 इन माइनस वाई डायरेक्शन वर्क करेगा। इसको यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, माइनस 62.5 जे के, इससे ये न्यूटन, ये रिजल्ट निकल रहा है कि जो फोर्स होगा वो 62.5 होगा न्यूटन में, और वो किस डायरेक्शन में होगा, माइनस जे कैप में, मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से पुटअप हो जाता है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें। इस टाइप के एक्स एक्सिस पर भी आ सकता था यही क्वेश्चन, अगर एक्स एक्सिस पर आता तो हम प्लस एक्स डायरेक्शन को प्लस आई कैप नोट कर देते और माइनस एक्स डायरेक्शन को माइनस आई कैप नोट कर देते। एक क्वेश्चन है, टू स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ 200 ग्राम Each of 200 gram are hung from a point from a point by two insulator threads. each of length 40 centimeter. The two balls are normal state, are equally charged. The two balls are equally charged and are at a distance 4 centimeter in normal state. Determine the charge on each ball. ये क्वेश्चन आपके पास है बेटा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल। टू बॉल्स है, उसको टू बॉल्स को जैसे ये हम कैलकुलेशन लेते हैं तो पहले ये बॉल्स एक तरीके से थ्रेड से यूं हंग थी, इस तरीके से एक थ्रेड से इस तरीके से हैंग की गई थी ये, बट जैसे ही इनको चार्ज दिया, इन दोनों बॉल्स को क्यू चार्ज से जैसे ही चार्जिंग किया तो सेम नेचर का चार्ज होने के कारण दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये दोनों जो बॉल्स है, ये दोनों बॉल्स जो यूं थी, ये ड्यू टू रिपल्सन इस तरीके से जाएगी ये, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगी, ये इसको रिपेल करेगी, और उस कंडीशन में फिर हमारे पास ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इस तरीके से हो जाएगी, ये दोनों बॉल्स ड्यू टू रिपल्सन फोर्स इस तरीके से डायरेक्टेड होगी। ओके, अब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर इमेजिन कर लो, ये डिस्टेंस आपको दे ही रखी उसने 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया बेटा 4 सेंटीमीटर, और ये 40 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है। तो अब यहाँ पर पहली बात तो यहाँ दोनों को चार्ज क्यों दिया था,
दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इस पे इसका और इस पे इसका दोनों का फोर्स अप्लाई हो रहा है, हम केवल एक बॉल की इमेजिन करके यहाँ चल रहे हैं। F इजिकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम देयर। एंड वेट एम जी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑलवेज यू नो वेट ऑलवेज वर्क वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। एंड द टेंशन ऑफ द थ्रेड टी इज अलोंग टू द थ्रेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज टेंशन अपोजिट टू द एक्शन वर्क करती है। इस समय सारे एक्शन फोर्स यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ अगर इसके इस पॉइंट के ले लेंगे तो टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी अलोंग टू द थ्रेड। तो अलोंग टू द थ्रेड, तो ये एंगल हमने थीटा इमेजिन किया, सपोज देयर इज अ थीटा एंगल, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ टी, देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ टेंशन फोर्स टी, इफ दैट इज थीटा देन दैट इज ऑल्सो थीटा बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, एंड दिस विल बी टी कोस थीटा। आप 11th क्लास में कंपोनेंट डिवीजन पहले से जानते होंगे, जिस साइड पर एंगल बनता है वो साइड बेस को डिफाइन करती है, और अकॉर्डिंग टू बेस दैट विल बी डी कोस थीटा, और ये अदर साइड जो होगी वो डी साइन थीटा, तो ये टी साइन थीटा। ये सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम में आती है। तो इक्विलिब्रियम में हम जानते हैं अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। तो इन इक्विलिब्रियम हम यहाँ कैलकुलेशन लेते हैं, इन इक्विलिब्रियम या इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं क्योंकि इसने नॉर्मल स्टेट क्वेश्चन में बोला है, तो इन नॉर्मल स्टेट टी साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर वन, न्यूटन ये कूलम्स लॉ से आया। एंड टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन टू, टी कैंसिल आउट एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा विल बी टेन थीटा, एंड देयर विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर। ओके, नाउ टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट यहां पर थीटा जब स्मॉल एंगल होता है तो एक बात यहां आती है कि व्हेन थीटा इज स्मॉल एंगल देन साइन थीटा नियर इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा नियर इक्वल टू थीटा। जब थीटा बहुत स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा दोनों ही थीटा के नियर इक्वल टू होते हैं। तो जब ये दोनों ही थीटा के नियर इक्वल टू है तो हम स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा को क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा। वापस रिपीट कर लेना, थीटा स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा के नियर इक्वल टू होता है, टेन थीटा भी थीटा के नियर इक्वल टू होता है। जब ये दोनों ही थीटा के नियर इक्वल टू है तो वी कैन राइट देयर साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, इसलिए मैं यहाँ पर टेन थीटा की जगह साइन थीटा यूज कर रहा हूँ। तो जब साइन थीटा यूज करूँगा, साइन थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट, अब साइन थीटा की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो यहाँ पर, ये डी बाई टू अपॉन एल, एल आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी, मैं यहाँ डिफाइन कर दे डिनोट कर देता हूँ इसको, और ये 2 सेंटीमीटर हो गई बेटा ये, क्योंकि टोटल 4 सेंटीमीटर थी, और ये थीटा एंगल यहाँ पर भी क्योंकि मैंने बाइसेक्टर की बात की थी, तो ये साइन थीटा की जगह आप लिख दोगे 2 अपॉन 40 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिनियस इज इक्वल टू
9 into 10 to power 9 into q square upon m 200 ग्राम है, 0.2 200 ग्राम को किलोग्राम में लिखा, g की वैल्यू 10 और d 4 सेंटीमीटर, 4 into 10 to power minus 2 square. इसको हम सॉल्व करेंगे. आप देख लीजिए ओनली q अननोन क्वांटिटी है. जब इसको टोटल सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास q की वैल्यू आती है, q इज इक्वल टू आता है बेटा ऑन सॉल्विंग 0.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम और 0.08 माइक्रो कूलम. तो इस तरीके से आपके पास ये कैलकुलेशन हो जाएगी बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे. तो ये आप इसके कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं. मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको बताए. नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. थैंक्स.